स्थानीय कलाकारों को रंगमंच उपलब्ध कराने के लिए रामगढ़ ताल के समीप 3.5 एकड़ जमीन पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक प्रेक्षागृह का गुरुवार को भोजपुरी फिल्म के अभिनेता व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं से अवगत हुए। निरीक्षण के दौरान सांसद रवि किशन ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और पूरे परिसर में वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश दिए। गौरतलब है, रामगढ़ ताल के सामने नवनिर्मित प्रेक्षागृह को 12 जनवरी या उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोकार्पण कराने की तैयारी है। आपको बता दें कि नवनिर्मित प्रेक्षागृह में वातानुकूलित बड़ा हॉल, वातानुकूलित छोटा हॉल, एक वातानुकूलित प्रदर्शनी हॉल, वातानुकूलित लाइब्रेरी, वातानुकूलित मीडिया सेंटर, वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया और मैकेनाइज्ड कार पार्किंग का निर्माण हो चुका है। शेष बचे कार्यों को भी अति शीघ्र पूरा करने के लिए सदन सांसद रवि किशन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा। पेड़ लगा देना, पेड़ भी बढ़ जाता भैया प्लांटेशन का तो शुरू कर एटलीस्ट यू नो, और प्लांटेशन ऑलरेडी 2-3 साल वाले पेड़ 2-3 साल तो ग्रोथ फास्ट होगी। जो महाराज जी आएंगे तो लगे पूरा प्लांट भी लगा हुआ है, मुझे तो बहुत डांटेंगे आप, मैं अभी से बता रहा हूँ। ऐसा ट्राई करके तो पहले से तुम लोगों को करना था, तो सब जंगली झाड़ रखा है, तो अभी से प्लांटेशन करके सुंदर बना वो डेफिनेटली आएंगे और फिर तुम लोग डांट खाओगे सर। सुंदर कौन नाटक है करवा देंगे, तैयारी तो थोड़ा अच्छी लग जाती है, वेरी गुड। हाँ देखिए सर, आर्टिस्ट गोरखपुर हम लोग लोकार्पण महाराज जी करेंगे, लेकिन गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क में होगा, क्योंकि कोविड के चलते महाराज जी का आदेश आया कि एक क्लोज में भीड़ बढ़ेगी और कोविड कोरोना फैलने की रहेगा, तो हम लोग चंपा देवी पार्क ओपन एरिया है, ओपन स्पेस में, वहाँ पे भी हम सब पूरे गोरखपुर को, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग चंपा देवी पार्क भी आएँ तो आप लोग मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, कोरोना से ज़रूर बचें, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ जो प्रेक्षागृह आप देख रहे हैं, एक पूरा भव्य एक इमारत है, जो सबसे सुंदर इमारत होगी पूर्वांचल की, सबसे सुंदर ये बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे प्लानिंग है फिल्म सिटी को लेके, भोजपुरी फिल्म सिटी को लेके, रिकॉर्डिंग साउंड से लेके, यहाँ बड़े बड़े एक्ट्स होंगे, बड़े बड़े लोग थिएटर के लोग रंगमंच करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, एक बड़ा भविष्य हमको दिख रहा है। इस प्रेक्षागृह से बहुत सारे कलाकार बाहर आएंगे और पूर्वांचल का और उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में विश्व में करेंगे, तो मुझे यहाँ से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट दिख रहा है, एक बहुत बड़ी स्कूल दिख रही है, और इसका फ़ायदा गोरखपुर के सारे कलाकार जितने भी रंगमंच के हैं सबको उठाना चाहिए और अपने आप को और तैयारी करनी चाहिए कि एक्टिंग में कैसे बाहर आएँ, कैसे सिनेमा इंडस्ट्री में आप लोग बड़ा नाम करें, कैसे एक आप लोगों का नाम इतिहास में जाए। तो आप लोगों के लिए पूज्य महाराज जी ने इतना भव्य एक प्रेक्षागृह दिया है, अब इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, गोरखपुर के कलाकार पूर्वांचल के कलाकारों को ज़रूर सोचना चाहिए। कब तक उम्मीद है जनता को? 10 जनवरी को इसका लोकार्पण करने का इन्होंने कहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। कब करवा? नहीं लेकिन 10 जनवरी तक ये लोग तैयार हो जाएंगे, फिर महाराज जी का जो डेट मिली उस हिसाब से कर लोकार्पण हुई।